नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर के जनगंज थाना इलाके के सत्यनारायण की टेकरी में किराए के एक मकान में रहने वाली विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया गया है कि मृतका का पति यहां मार्बल स्टोर पर मजदूरी करता था। मृतका ने फांसी क्यों लगाई, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। मुरैना के सल्लपुर थाना रामपुरा का रहने वाला ओम प्रकाश गोस्वामी यहां ग्वालियर के सत्यनारायण की टेकरी के पास मार्बल घिसाई का काम करता था। बीती रात जब घर के सभी सदस्य सो गए और सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी पूनम फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पीएम हाउस पहुँचाया और मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। बच्ची ने अंदर रूम में हो गई है और बच्चे मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। छोटी बच्ची अंदर सुला दी है, अब भगवान ही मालिक है। इसने कोई धमकी नहीं किसी ने दी है, कोई परेशानी नहीं थी। 11 बजे मेरे से बात, 10:30 बजे मेरे से बात हुई है 1 घंटे। तो वो क्या है कि अंदर बच्ची सो गई, 6 बजे मकान मालिक ने गेट खटखटाए दूध के लिए। अब गेट खटखटाए, छोटी बच्ची जग गई, उसने खुंदी खोली है। जब ये लोगों ने देखा है, बच्चों के लिए फ़ोन किया है, बच्ची का देवर बच्ची का पति वो गए हैं, उनने देखा है, फिर अपने पुलिस वाले गए वहाँ, इनने भी वो हाल देखा है, लिखा पढ़ी की है, यही है और कुछ नहीं है। ये टेलीफोन से सूचना मिली थी तो फिर वो आया और उसने मर्ग कायम कराया, गई थी वहाँ तो उसमें जो है मृतका फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। उसका मृतका का नाम श्रीमती पूनम, पत्नी ओम प्रकाश गोस्वामी, उम्र उसकी 20 साल है, ग्राम सलमपुर थाना रामपुर जिला मुरैना की रहने वाली है। यहाँ उसका पति मार्बल घिसाई का काम मजदूरी करता है, सत्यनारायण की टेकरी पर भरत धाकड़ के मकान में किराए से रहती थी। अभी वजह क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि मायके और दोनों पक्षों पर कुछ कोई शक नहीं है, ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है, कभी कोई पता नहीं चल पाया सही, अब ये जाँच का विषय है। बॉयफ्रेंड को लेकर सहेली से झगड़े के बाद एक छात्रा ने गुस्से में ब्लेड से अपना गला और हाथ पर कट मारे, यह देख बॉयफ्रेंड ने उसे रोका। तभी हंगामा सुनकर पास ही तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, तत्काल लड़की और उसके दोस्त को लेकर पड़ाव ले आए, यहां से JH लेकर पहुंचे। छात्रा घायल है और उसके गले और हाथ में गहरे कट लगे हैं। घटना स्टेशन बजरिया DB मॉल के बाहर की है। छात्रा ने खुद गुस्से में नशा कर ऐसा कदम उठाने की बात कबूली है। पुलिस ने छात्रा और उसके दोस्त के परिजन को सूचना दे दी है। छात्रा के साथ मिला लड़का मुरैना के कांग्रेस नेता का भतीजा बताया गया है। एक बच्ची है गायत्री आर्य नाम की, सुरेश नगर ठाठीपुर की रहने वाली है, करीब उम्र उसकी 20 साल करीब है। घर से झगड़ के कुछ अपना घर का जो पारिवारिक विवाद होगा उसको लेके वो आज DB मॉल के सामने उसने अपने आप को हर्ट किया है, हाथ पाँच ब्लेड से काटने की कोशिश की है। तो आसपास के लोगों ने इसको रोक दिया, बचा लिया था और गर्दन पर भी कट लगाने की कोशिश करी है। उसके बाद उसको लेके थाने आए तो उसका ये कहना था कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है और कोई कारण नहीं है, पारिवारिक विवाद के चलते ऐसे ही मैंने वो किया, तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। फिर भी उसको अभी मेडिकल के लिए भेजा है और उसका प्राथमिक उपचार कराने के लिए भेजा है, लेकिन वो किसी प्रकार की कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं जाती, ऐसा उसका कहना है। नहीं, नशा वगैरह तो प्रथम दृष्टि अभी कुछ ऐसा समझ में आया नहीं है, मेडिकल में जो भी आएगा सामने पर बताएंगे। हाँ, वो एक मुँहबोला भाई अपना कोई बता रही थी, लेकिन अपन चूंकि उसके घर वालों से कॉन्टैक्ट किया है, घर वालों के आने के बाद उनको अपन उसको सपोर्ट करते हैं। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में बने मूक बधिर और फिजिकल चैलेंज बच्चों के स्नेहालय आश्रम में एक बार फिर एक छात्रा की बीमारी के चलते मौत हो गई। बताया गया है कि स्नेहालय में रह रही नीतू सिंह को TB की बीमारी थी, जिसके चलते पिछले 10 दिन पूर्व उसे JH में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के चलते उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद कंपू थाना पुलिस ने मृतक के शव का PM कराकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इससे पूर्व भी यहां कई बच्चियों की संदिग्ध मौत हो गई थी और आश्रम केयर टेकरों पर लापरवाही का आरोप भी लगा था। सूचना हमारी चौकी पे आई तो हमको फार्म दीवान जी ने भर के दिया कि डेड हाउस इसको ले जाओ और इसका PM कराना है, तो हम डेड हाउस फार्म लेके आ गए हैं। ये नीतू है,
अज्ञात है, हाँ इस न्यायालय से आई, यहाँ भर्ती रही 10 दिन, भर्ती होने के बाद इलाज के दौरान खत्म हो गई। वो गंभीर रूप से बीमार थी, मुझे विस्तृत रूप से उसकी जानकारी नहीं है, मैं संबंधित चिकित्सक से जानकारी लेकर इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन गंभीर थी इसीलिए उनको ICU में रखा गया था और ये एक दुखद है मृत्यु उनकी। इलाज की पूरी मेहनत की गई, इलाज के बारे में सभी चिकित्सकों ने पूरी मेहनत की, मेरी कल चर्चा हुई थी, लेकिन अत्यंत गंभीर अवस्था होने की वजह से वो उनको बचा, चिकित्सक बचा नहीं सके। अब इसके बारे में PM के बारे में जो फाइंडिंग आएंगी शासन को अवगत कराई जाएंगी, उसके नियमानुसार कार्यवाही होगी। ग्वालियर केंद्रीय जेल में बंद उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने गत रोज बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। बंदी अमित सिंह शिवपुरी का रहने वाला था और उम्र कैद के मामले में सजा काट रहा था। बताया गया कि बंदी 31 मार्च को भी पैरोल से वापस जेल लौटा था और बुधवार को उसने पैरालिसिस अटैक के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कैदी की मौत पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। ये अपनी जेल में बंद थी, वो सजा पड़ चुकी है, उनका नाम है खमीर सिंह और इनको अचानक दौड़ा सा पड़ा और इनको अपने 7:30 बजे भर्ती कर दिया, परसों ही कर दिया था। उसके बाद में उपचार शुरू हो गया और बढ़िया, मतलब MRI वगैरह सब, जांचें वगैरह सब कराए दी, अचानक अटैक आया है कोई तो ख़त्म हो गया। 3-4 साल थे आजीवन कारावास शिवपुरी जिले। गर्मियों का मौसम जैसे जैसे अपने शबाब पर पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे वन्य जीव प्राणियों का गर्मी के चलते हाल बेहाल होता जा रहा है। ग्वालियर के गांधी वन्य प्राणी उद्यान में गर्मी की इस तपेश और यहां रह रहे वन्य जीवों को हो रही परेशानी को देखते हुए गर्मी से बचाव के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ गर्मी के मौसम में किसी वन्य प्राणी को परेशानी न हो। माँ के 9 रूपों की उपासना का पर्व शुरू होने वाला है। इस साल नवरात्र 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। नवमी तिथि 14 अप्रैल की है। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी, जिसके लिए मंदिरों में विशेष तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मांडरे की माता मंदिर पर भी चैत्र नवरात्रि की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। यूँ तो साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन दोनों ही नवरात्रे का महत्व और पूजा विधि अलग है। इस बार कहा जा रहा है कि 5 सर्वार्थ सिद्धि, 2 रवि योग और रवि पुष्प योग का संयोग बन रहा है। नवमी भी 2 दिन बनेगी। नवरात्र को लेकर शहर की देवी मंदिरों में तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो गई हैं। मांडरे की माता, नहरवाली माता, झांसी रोड स्थित वैष्णो देवी मंदिर, महलगांव करौली माता मंदिर, काली माता मंदिर, भैलसे वाली माता मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। रियासत के तत्कालीन शासक जयाजी राव सिंधिया द्वारा 135 वर्ष पूर्व स्थापित कराया गया श्री महाकाली देवी की अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी रूपी माता का मंदिर, जिसे वर्तमान में मांडरे वाली माता के नाम से जाना जाता है, यहां जो भी मन्नत लेकर श्रद्धालु पहुंचता है, मां उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। मंदिर के व्यवस्थापक मांडरे परिवार के अनुसार इस मंदिर पर लगे शमी के वृक्ष का प्राचीन काल से सिंधिया राजवंश दशहरे के दिन पूजन किया करता है। आज भी पारंपरिक परिधान धारण कर सिंधिया राजवंश के प्रतिनिधि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे तथा वह सरदारों के साथ यहां दशहरे पर मत्था टेकने और शमी का पूजन करने के लिए आते हैं। अपनी माता 6 तारीख से बैठ रही हैं और अपनी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, दुकानें लग रही हैं प्रसाद की और मंदिर में भी काम चल ही रहा है, मतलब एक तरीके से हो ही गया है, पूरा तैयारियाँ हो चुकी हैं। माता रानी की पूजा जैसे कि अपनी हर वर्ष की बात है, जो होती है पूजा वही होगी, सुबह के टाइम पे 5:30 पे आरती होती है और श्रृंगार भी सुबह ही होता है, पूरे 9 दिन श्रृंगार होता है माता का अलग अलग, और जो आरती रहती है 2 टाइम की, सुबह 5:30 और शाम को अपनी 9 बजे। जयारोग अस्पताल परिसर की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भरत जैन को नोटिस भेजा है, जिसके बाद JH प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए यहां JH परिसर से डंपिंग ग्राउंड हटाकर
डंपिंग करने वाली कंपनी को नोटिस देते हुए जुर्माना भी किया है। गत दिनों प्रदूषण बोर्ड द्वारा जेएच में निरीक्षण के दौरान पुष्टि हुई कि सफाई कंपनी परिसर में अलग अलग जगह कचरा जलाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन कर रही है। बोर्ड ने डीन को 7 दिन में कार्रवाई कर अवगत कराने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले में सफाई कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में नगर निगम जेएच से कचरा उठा रही थी, पैसे के विवाद के कारण काम बंद कर दिया गया। 5 अप्रैल को कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी इस विवाद के निराकरण के लिए आ रहे हैं। अगले सप्ताह से कचरा उठने लगेगा। इसे पूर्व जेएच प्रशासन ने भी कंपनी को नोटिस भेज जुर्माने की कार्रवाई की है। देखिए, ये डंपिंग ग्राउंड गलत तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे ये कंपनी की जिम्मेदारी है, जो आउटसोर्स पर है, बीवीजी कंपनी की, वो वहाँ पे कचरा इकट्ठा ना करके इसको, अगर थोड़ा करते भी हैं तो उसको तुरंत वहाँ से बाहर करें। लेकिन ये कंपनी की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसलिए उन पर जुर्माना भी किया गया है। और 15 तारीख को और 19 तारीख को मार्च में मैंने इस बारे में उनको नोटिस भी दिए। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक छात्रा हिमाचली मिश्रा ने जनहित याचिका पेश कर अपंगता प्रमाण पत्र वितरित करने में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। इसके लिए छात्रा ने 14 ऐसे लोगों की सूची अपने जनहित याचिका के साथ संलग्न की है, जो श्रवण बाधित अथवा पैर से विकलांग होने का दावा कर सर्टिफिकेट हासिल कर लिए थे, जबकि ये लोग छात्रा की जाँच में बिल्कुल सामान्य पाए गए। दरअसल हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सरकार और प्रमाण पत्र हासिल करने वाले लोगों को नोटिस जारी किए थे और उनसे जवाब मांगा था। इस पर विकलांगता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले 9 लोगों ने बुधवार को अपना जवाब हाई कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि 5 लोगों ने जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता हिमाचली मिश्रा का आरोप है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अपंगता प्रमाण पत्र वितरित करने में बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इसमें डॉक्टर, दलाल और कर्मचारियों सहित दूसरे लोग शामिल हैं। इन पर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और कोर्ट से दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निवेदन किया गया है। इस मामले में 14 विकलांग प्रमाण पत्र धारियों सहित 18 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। हाँ, ये PIL इस बात की है कि ग्वालियर चंबल समागम मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों ने फर्जी अपंगता प्रमाण पत्र बनवा करके मेडिकल बोर्ड से, डॉक्टरों से मिल करके, दलालों से मिल करके नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। पिटिशनर कुमारी हिमांचली मिश्रा ने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि यहाँ दलालों के माध्यम से फर्जी अपंगता प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, उनके आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली गई है। जिन लोगों के ये प्रमाण पत्र है कि वो पैरों से अपंग हैं, वो बहुत अच्छी तरह चलते मिले, सामान्य आदमी से भी आगे, और जिन लोगों को ये लिखा है कि ये श्रवण बाधित हैं, जो सर्टिफिकेट थे, उनसे जब फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बिल्कुल सामान्य बात की। तब फिर कुमारी भंसली मिश्रा ने इस बात की पिटीशन लगाई कि ये जो फर्जी अपंगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाई गई है, इससे जो वास्तविक जो जिन्हें मिलनी चाहिए नौकरी, जो वास्तव में अपंग हैं, वो इससे वंचित हो रहे हैं। इसलिए इस बात की जांच कराने के लिए कि इन सबको के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो फर्जी प्रमाण पत्र जिन्होंने बनाए उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मेडिकल बोर्ड्स में जो भी डॉक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके लिए हमने इसमें 14 लोगों को पार्टी बनाया गया था, प्राइवेट पर्सनस को, उसमें से 9 लोग जो है ना हाजिर हो गए, 5 रह गए, कुल मिलाकर के 18 पक्षकार हैं, शासन शायद 14 वो व्यक्ति हैं जिनकी हमने लिस्ट दी है कि इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करके नौकरी प्राप्त की है। वो कोई पटवारी की नौकरी, कोई सब इंजीनियर, कोई विभिन्न पदों पर नौकरियाँ कर रहे हैं। पिछली बार पक्षकार बनाया गया था इन 14 लोगों को, प्राइवेट पर्सनस को, उनके लिए आज है तो उसमें 5 रह गए, बाकी शेष नौकरी, बाकी सर्विस हो गई, 5 की सर्विस अभी नहीं हुई तो सर्विस के इंतजार में, और बाकी लोगों ने वो 2 सप्ताह का समय जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिया है। ग्वालियर जिवाजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन संस्थान में रैकिंग का मामला सामने आने से माहौल गर्मा गया है। BBA में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने सीनियर पर पिछले 2 महीने से मारपीट करने और रैकिंग करने का आरोप लगाया है। छात्र ने यह भी कहा है कि इसकी शिकायत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिवाजी प्रबंधन और पुलिस अधीक्षक से की है।
बुधवार को जेयू में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फरियादी और आरोपी छात्राओं को तलब किया गया, लेकिन फरियादी छात्र रूबल सिंह गुर्जर ने कमेटी के सामने एक बार फिर अपने आरोपों को दोहराया है। उसका कहना है कि बीबीए छठे सेमेस्टर के छात्र ध्रुव सिंह गुर्जर और उसके साथियों ने मंगलवार को क्लास खत्म होने के बाद पहली मंजिल पर रखे गमले को नीचे गिरा दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया। घटना के समय फरियादी छात्र रूबल नीचे खड़ा था, इसके बाद छात्रों ने उसके साथ मारपीट भी की है। रूबल का आरोप है कि ध्रुव और उसके साथी पिछले 2 महीने से परेशान कर रहे हैं और शिकायत करने पर कॉलेज आना बंद कराने की धमकी दे रहे हैं। फरियादी छात्र ने इसकी शिकायत UGC विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस अधीक्षक से की है। बुधवार को छात्र की शिकायत मिलते ही एंटी रैकिंग कमेटी की आनन फानन में बैठक बुलाई गई, जिसमें रूबल और आरोपी छात्र ध्रुव सिंह पहुंचे। यहां ध्रुव सिंह ने जहां अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है, वहीं रूबल ने अपने आरोपों को दोहराया है और ध्रुव सहित उसके साथियों पर कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि तथ्यों के आधार पर मैनेजमेंट इस संबंध में कोई फैसला लेगा, जिसमें छात्र के निष्कासन सहित दूसरे प्रावधान शामिल हैं। कहा कि पिछले 2 महीने से 2 छात्र हैं मुझे परेशान कर रहे हैं, ये BBA के छात्र हैं दोनों के दोनों, और कल की घटना उसने बताया कि कल मेरे ऊपर जो है हमला करने की भी कोशिश करी, तो उसको लेकर शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। आज ही उसकी 2 बजे अभी बैठक है, एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पूरे तथ्यों को देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और यदि सच में दोषी होंगे बच्चे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की जाती है? जो हमारे ऑर्डिनेंस के अनुसार है, जैसे उनका निष्कासन है, सबसे पहले निष्कासन है, उसके बाद फिर डीप जाँच होगी, उसके बाद जो है उनका इन्वेस्टिगेशन। होली के पावन पर्व के बाद अब शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी मेल मिलाप को बढ़ाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हर वर्ष की तरह इस बार भी ब्राह्मण सभा मुरार द्वारा होली मिलन समारोह बुधवार को मदन मोहन मंदिर घास मंडी मुरार में आयोजित किया गया। इस दौरान सभा के अध्यक्ष पंडित वासुदेव शर्मा सहित यहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। जब न होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और प्रतिवर्ष भी करते हैं, इससे हमारे समाज में एकता आती है और भाईचारा कायम रहता है। चीफ गेस्ट हमारे मुरैना के सांसद माननीय अनु मिश्रा जी, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवेंद्र शर्मा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। कार्यक्रम के विशेष अतिथि है मुरार ब्राह्मण सभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित अमिका प्रसाद पचौरी जी, पंडित आनंद शर्मा जी, पंडित नरेश कटारी जी, पंडित आनंद दीक्षित जी और रामेश्वर दयाल शास्त्री जी पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण सभा मुरार, और हमारे विष्णु शास्त्री जी और काफी हमारे समाज के बेरोजगार हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसे जन आवाज नाम दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैनिफेस्टो में 5 प्रमुख वादे किए गए हैं। किसानों के लिए अलग अलग बजट लाया जाएगा, साथ ही कृषि कर्ज के डिफाल्टरों पर फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां इस घोषणा पत्र को जनता के लिए फायदेमंद बताया है, तो वहीं भाजपा नेताओं ने इसे झूठ का पुलंदा बताया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र विगत दिवस राहुल गांधी जी ने जो जारी किया है, उसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान चूँकि गरीबों का देश है और उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बात का जो उल्लेख किया गया है, उसमें जिस प्रकार से आपने पूर्व में भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मनरेगा की तमाम प्रकार की जो है शिकायतें करी थी, जिसको उलाहना दिए गए थे, लेकिन वही मनरेगा मील का पत्थर साबित हुई। आज उस मनरेगा में जो 100 दिन की जो गारंटी पहले दी जाती थी, राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में 150 दिनों की गारंटी, 100 रोजगार गारंटी दी जाने का जो वादा किया गया, ये बहुत मील का पत्थर साबित होगी। वहीं अपन किसानों की बात करें, आम बेरोजगारों की बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, तो जो नौजवानों आज वर्तमान में जो ठगे हुआ अपने आप को जो महसूस कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की बात की थी, आज धरातल पर देखा जाए तो वो नगण्य स्थिति साबित हुई है।
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 22 लाख नौकरियां देने का जो आश्वासन दिया है, मैं समझता हूं कि नौजवानों के लिए बहुत उत्साहवर्धक काम के रूप में आने वाले समय में साबित होगा। वहीं अपन बात करें तो जो अक्सर ये देखा गया है कि जब भी किसी भी प्रकार कोई भी शासन आता है तो जब भी कोई नौजवान अपना रोजगार प्रारंभ करने की बात करता है तो उसको नाना प्रकार की NOC लेना पड़ती है, विभिन्न विभागों में जाना पड़ता है जिससे कि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय में नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा ये वर्जन दिया है, घोषणा की है कि 3 साल तक कोई भी नौजवान अगर अपना किसी भी प्रकार का रोजगार प्रारंभ करता है तो उसको किसी भी डिपार्टमेंट की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि नए नए बड़े बड़े उद्योग खुल जाते हैं और 3 साल के बाद वो उद्योग समाप्त हो जाते हैं। ये इस विसंगति पर आने वाले समय में रोजगार के मामले में नौजवानों को बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम के रूप में सामने आएगा। जनता कांग्रेस के घोषणा पत्रों को कई वर्षों से देख रही है। इंदिरा जी के समय भी घोषणा पत्र हुआ, राजीव गांधी जी के समय घोषणा पत्र हुआ, मनमोहन सिंह जी के समय भी घोषणा पत्र हुआ और अब राहुल जी ने घोषणा पत्र जारी किया है। और राहुल जी कह रहे थे अपने घोषणा पत्र में कि हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ़ किया है। घोषणा पत्र पढ़ते समय भी झूठ बोल रहे थे, जबकि मध्य प्रदेश में ना तो किसानों को 2 लाख रुपये तक के कर्जे माफ़ हुए हैं, ना बेरोजगारों को 6,000 रुपये का भत्ता मिला है। इससे उनकी करनी और कचरी में स्पष्ट नज़र जनता ने देखा स्वयं। और सबसे बड़ी बात जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है, बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें तो कांग्रेस करती आई है कि गरीबी हटाने वाली बात, हरदम उनके मैनिफेस्टो में गरीबी हटाने वाली बात रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, महंगाई भी बढ़ी है और गरीबी बढ़ी है। और यही कारण है कि कांग्रेस की जब जब सरकारें रही, गाने भी महंगाई के खिलाफ बने हैं। और जिस तरह से कल राहुल गांधी जी ने अपना घोषणा पत्र पढ़ा, मैं समझता हूँ ऐसा घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह की बू आ रही है, उन्होंने कहा कि हम उस धारा को ही हटा देंगे जिसमें राष्ट्रद्रोह का जुर्म बनता है। राष्ट्रद्रोह की अगर कोई बात करेगा तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप राष्ट्रद्रोह की बात करते रहिए, इस देश में देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली जो गैंग मोदी सरकार में समाप्त हो रही है, उस गैंग को फिर उभारने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और जिस बेशर्मी के तहत उन्होंने इस बात को कहा, आपने देखा होगा धारा 370 और 35A को भी हटाने वाली बात उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं हटाने देंगे। 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान जम्मू कश्मीर में उनके सहयोगी फारूक अब्दुल्ला किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। और आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस को 44 से 4 पे ला के खड़ा कर देगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ग्वालियर आयकर विभाग द्वारा आय से अधिक सूचना और कर चोरी की शिकायत पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्राइवेट नर्सिंग होम में छापामार कार्रवाई कर यहां आय व्यय से जुड़े दस्तावेज खंगालते हुए संपत्ति का आकलन किया। आयकर विभाग की टीम तड़के ही माधव डिस्पेंसरी के सामने SM हॉस्पिटल और ईदगाह स्थित कैलाश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची और यहां अस्पताल कार्यालय सहित महत्वपूर्ण जगहों को सील कर यहां जांच कार्रवाई कर शुरू की गई। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।